आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप अपने फेसबुक का पासवर्ड भूल गए हैं तो कैसे पता कर सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट में इस वीडियो में लाइव बताऊंगा मैं आपको, ये जो मेरी फेसबुक का अकाउंट है, फेसबुक की आईडी, इसका पासवर्ड मैं भी भूल गया हूं तो कैसे पता करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फेसबुक ऐप को ओपन करना है और यहाँ पे ऊपर ये 3 लाइन देख रहे हैं, आपको इस पर क्लिक करना है 3 लाइन, और नीचे स्क्रॉल करना है आपको। नीचे स्क्रॉल जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी का। अब यहाँ पे आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको देख सकते हैं सी मोर इन अकाउंट सेंटर, ये वाला ऑप्शन आपको इस पर क्लिक कर देना है सिंपली। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना आईडी सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आपका जो पासवर्ड रहता है फेसबुक का, वो पासवर्ड कहीं पर भी सेव नहीं रहता है। ऐसा कि आपने ये पासवर्ड बनाया था, आप भूल गए हैं तो इसको देख लीजिए, ऐसा नहीं रहता। यदि आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो पासवर्ड को आपको फॉरगेट करना पड़ता है, यानी कि रीसेट करना पड़ता है, राइट। जैसे कि अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो उस केस में हम यहाँ पे पासवर्ड को रीसेट कर लेंगे और जो हमारा नया पासवर्ड बनाएंगे हम, यानी कि चेंज कर लेंगे, अब जो हमारा नया पासवर्ड बनाएंगे हम वही अपना पासवर्ड रहेगा हमारा, राइट। और उसी पासवर्ड से फिर हम फेसबुक को कहीं पर भी लॉग इन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको यहाँ पे फॉरगेट इन योर पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे अब आपसे ये पूछ रहा है कि ये SMS के थ्रू वेरीफाई करेगा आपका जो मोबाइल नंबर फेसबुक से लिंक रहेगा उसको, उस पर SMS जाके वेरीफाई करेगा। तो हम यहाँ पे सेंड कोड बाया SMS सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने WhatsApp पर भी यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कोड सेंड करवा सकते हैं, लेकिन हम अपने मैसेज पे कोड सेंड करवाएंगे। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे सिंपली। अभी यहाँ पे आप ये जो कैप्चा देख रहे हैं जैसे 4LUHXX ऐसा करके आपको यहाँ पे सेम टू सेम डालना है, जो कैपिटल होंगे कैपिटल और जो स्मॉल होंगे स्मॉल। जैसे यहाँ पे 4L ऐसे करके हम यहाँ पे डाल लेते हैं जो भी अक्षर डले हुए हैं, और डाल के यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं हम यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमारे मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, ये OTP आ चुका है यहाँ पे, आप मैसेज में जाके भी OTP ले सकते हैं। तो वो OTP आप यहाँ पे डालेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे आप। अभी यहाँ पे हमारे सामने एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करने को आ जाएगा, यानी कि न्यू पासवर्ड बनाने को आ जाएगा, और हम जो ये पासवर्ड बनाएंगे अब हमारी आईडी का यानी कि हमारे अकाउंट का यही पासवर्ड रहेगा। इसी पासवर्ड के साथ हम कहीं पर भी लॉगिन कर सकते हैं अपने फेसबुक अकाउंट को। तो पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, पासवर्ड मिनिमम 6 अक्षर का होना चाहिए, इसमें कुछ नंबर्स और कुछ लेटर्स होने चाहिए, और आप पासवर्ड डाल के यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे सिंपल सा, और इस टाइप से आपका न्यू पासवर्ड बन जाएगा। और आपने अभी जो न्यू पासवर्ड बनाया है अपना, यही आपकी इस आईडी का पासवर्ड हो जाएगा। आप इसी आईडी पासवर्ड के साथ कहीं पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से हेल्प हुई होगी, हेल्प हुई तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।